वो देखिए कितना ज्यादा पानी है यहाँ पे। इंग्लिश बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पे। हाई फाइव एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सारी तैयारियाँ फिर से हो चुकी हैं और समय हो रहा है 12:30। तो अब हम लोग प्लान किए हैं, अब जाएंगे अमृतधारा और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो अभी जस्ट पानी हल्का हल्का कम हुआ है, तो पहले तो प्लान था कि फ्रेंड के स्कूल वगैरह भी जाएंगे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब सीधे हम लोग यहाँ से जाएंगे अमृतधार वाटरफॉल, क्योंकि अभी अभी के समय में काफ़ी अच्छा वहाँ का दृश्य है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स अनवील द एडवेंचर। यहाँ से अमृतधारा 8 किलोमीटर है, ये रास्ता बंद है, इधर से जाना पड़ेगा। पता नहीं ये कैसा रास्ता हो। क्या कहना चाह रहे हैं सर? We have reached the our place. There is no anyone without and you are the best end of plan. We are English Indian friend Andrew Sam. Very very fog. इंग्लिश क्लास भी अगर करना होगा पीएससी के साथ साथ, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, काफी अच्छी इंग्लिश है, नंबर वन टीचर इंग्लिश के। मज़ा आया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतधारा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और इतना सुंदर दृश्य है कि आपको आगे चल के दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा व्यू बन रहा है। और इसलिए ये भी एक वजह है कि लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, और पहले से काफ़ी चेंज है और डेवलप हो गई है ये जगह। और बहुत पानी वगैरह है बरसात की वजह से, क्योंकि कल रात भर पानी गिरा था। तो देखिए कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, और इधर इधर से भी पानी जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हुए हैं देखने के लिए, लेकिन आगे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है। ये जगह पे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पानी है, और इधर उधर जो जगह है वहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं गर्मी के समय में, लेकिन अभी के समय में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वहाँ पे जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे, और नीचे तरफ पूरा फॉग बन रहा है और सारा पानी उधर जा रहा है। और गर्मियों के समय में लोग नीचे तरफ भी जाते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, लेकिन अभी तो देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई शायद ही जाता होगा। और काफ़ी ज़्यादा पानी है इस बार, बरसात के मौसम में आना पूरे तरीके से परफेक्ट है। यहाँ पे एक बंदर भी है जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लोग इसके साथ भी फोटो खिंचा रहे हैं। तो अब अमृतधारा तो देख लिए, काफ़ी अच्छा लगा, और अब जाते हैं कुछ खाएंगे, कैंटीन उस तरफ है, और अगर कुछ अच्छा खाने लायक होगा तो खाएंगे, और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। छोटा मोटा गार्डन वगैरह भी है आसपास, यहाँ से भी पानी आ रहा है आने के लिए, उधर से पूरा पानी जा रहा है नीचे की ओर,
और इधर छोटा मोटा गार्डन है। पहले से काफ़ी वैसे बदल गया है यहाँ का लोकेशन, नहीं तो पहले का जो कैंटीन वगैरह था वो थोड़ा अलग था, अभी तो बहुत ज़्यादा बदल गया है। इधर लोग गर्मी के टाइम में पिकनिक मनाते हैं, लेकिन अभी के समय में एकदम नहीं है, कोई नहीं सोच पाएगा कि ऐसा कोई हो सकता है कि कोई जितना आगे पिकनिक वगैरह मनाएंगे। तो यहाँ पे लगता है कि कुछ उद्यान वगैरह है। तो ये यहाँ का कैंटीन है जो कि अभी बंद है, तो हम लोग अब देखते हैं बाहर की साइड भी कुछ कुछ है खाने पीने का, तो वहाँ देखते हैं। जहाँ पे हेलमेट वगैरह रखे हैं वहीं पे कॉफ़ी वगैरह देते हैं और देखते हैं क्या क्या है। कैंटीन के पास आ गए हैं और यहाँ पे खाने के लिए चाउमीन वगैरह है, पनीर चिली वगैरह है, आलू चाव वगैरह भी है। तो मतलब आते हो आप तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको नाश्ता वगैरह भी। और जो पुराना कैंटीन था वो तो बंद हो गया था, तो अब यहाँ पे देखते हैं चाउमीन वगैरह खाएंगे, फिर कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। चाउमीन आ चुका है तो अब चाउमीन खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग सीधे अंबिकापुर। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए, तब तक के लिए अलविदा।